Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. माइक्रोबियल टॉक्सिन्स पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है. एंड दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड बाय स्टूडेंट. ये भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था एंड आई थिंक इट इज रिलेवेंट क्वेश्चन. सो वी मस्ट अप्रोच इट. काफ़ी स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछते हैं बट काफ़ी टाइम्स क्या होता है कि जो आप क्वेश्चंस पूछते हो वो ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा दिया हुआ होता है. तो जनरली वो मैं आपको वहीं पे कमेंट में ही गाइड कर देता हूँ कि वो क्वेश्चन जहाँ भी मैंने कराया हुआ है तो आप जा करके उस प्ले लिस्ट में, जैसे कि मेरी दो प्ले लिस्ट एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स की, आप उस प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो. या ऑलरेडी ये प्ले लिस्ट एक जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्ले लिस्ट है इसमें आप चेक कर सकते हो. काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है तो इट कुड बी हेल्पफुल टू यू. और जो भी क्वेश्चंस मुझे लगता है जो आप लोग पूछते हो कि नहीं मुझे एक वीडियो सेपरेट वीडियो के तहत कराना चाहिए, वो मैं टेक ऑन करता हूँ और मैं वो सारी चीज़ें कराता हूँ. पर ऑलरेडी जो जो करा लिया है वो मैं नहीं दोबारा से टेक ऑन करता हूँ. और जनरली मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप एक बार जाके पूरी कोर्स को करो, वहाँ से आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छे से आ जाएगी. सो और आप चाहो तो नोट्स वगैरह वगैरह भी ले सकते हो. उसका भी मैंने जो आप उसके लिए मेल कर सकते हो मुझे, ठीक है. वो मेल अगर आप प्लेलिस्ट के पहले वीडियो में जाओगे तो मैंने मेल को पिन किया हुआ है कमेंट में, तो फ्रॉम वेयर यू कैन डू इट. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. माइक्रोबियल टॉक्सिन्स आखिर होते क्या हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं. तो टॉक्सिन्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं. Poisonous substance produced by living cell or organisms. वैसे poisonous substance जो कोई living cell या फिर कोई organism produce कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Toxins बोलते हैं. और microbial toxins क्या हुआ? यही सब समझ लो, MT, that is microbial toxins. जब टॉक्सिन्स को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है देन इट इज नोन एज माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या फिर वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं या फिर फंजाई प्रोड्यूस करता है या एल्गी प्रोड्यूस करता है. सो दीज आर नोन एज माइक्रोबियल टॉक्सिन्स. तो आई होप आप समझ गए होंगे माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की एक ओवरऑल डिफाइनेशन जो है वो क्या होती है, कैसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स को, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स से आप क्या समझते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग टू कि माइक्रोबियल टॉक्सिन्स होते जनरली जो है ऑन बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से रिलीज होते हैं या कहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं. इट इज ऑफ टू काइंड्स, ठीक है. फर्स्ट वन इज एक्सोटॉक्सिन्स एंड सेकेंड वन इज इंडोटॉक्सिन्स. एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? जो टॉक्सिन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, जनरेट करते हैं. टॉक्सिन सेक्रेटेड जनरेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद से सेक्रेट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसे बनाया और उसे सेक्रेट कर दिया, ग्लैंड्स वगैरह से कहीं से भी सेक्रेट कर दिया, तो दीज आर एक्सोटॉक्सिन्स. और इंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं, पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इटसेल्फ. और जनरली कभी रिलीज होते हैं? आफ्टर डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिलीज्ड आफ्टर डेथ. अब देखो इस चीज को समझो. मान के चलो ये आपकी कोई फूड है, ठीक है, इसमें एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया यहाँ पे कोई टॉक्सिन जो है रिलीज कर रहा है या कोई टॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है अपने ग्लैंड्स के थ्रू, ठीक है, और ये फूड फिर इन्फेक्शियस फूड हो गया, ये फूड पॉइजनस फूड हो गया. तो यहाँ पे जो ये टॉक्सिन्स को रिलीज कर रहा है दिस इज इन एक्सोटॉक्सिन्स. और सेकंड केस लो, एक ऐसा केस है जिसमें ये फूड इसके अंदर एक बैक्टीरिया है था और इसके अंदर बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया हैज डाइड और इसके मरने के बाद इससे टॉक्सिन्स ऑटोमेटिक रिलीज हो रहे हैं. वो टॉक्सिन्स जानबूझ के कुछ रिलीज नहीं कर रहा है,
दोज टॉक्सिन्स आर पार्ट ऑफ इट सेल्फ, और एक्सोटॉक्सिन्स में का वो सिक्रेट कर रहा है नॉइंगली, बैक्टीरिया इज सिक्रेटिंग इट नॉइंगली अनॉइंगली, पर वो सिक्रेट कर रहा है, और इसमें वो सिक्रेट नहीं कर रहा है, वो उसका बॉडी के पार्ट ही था, वो अभी ऑलरेडी टॉक्सिन जो उस बॉडी के पार्ट ही था, अब वो डेथ कर गया तो वो टॉक्सिन जो है ये फूड के पार्ट में, फूड में मिल चुका है, या फिर बैक्टीरिया के साथ ये फूड में मिल चुका है। सो जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया के पार्ट ही हों, जैसे हमारे किडनी जो है हमारा पार्ट है, ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हमारे अंदर मौजूद है, हम उसको उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं। और एक होता है कि जानबूझ के जनरेट करना, या फिर हमारे से जनरेट हो रहा है, जैसे कि कुछ भी चीज़ हो, जैसे आप यूरिन करते हो तो यूरिन जनरेट सिक्रेट हो रहा है आपके बॉडी से, सेलिवरी ग्लैंड सलेवा सिक्रेट हो रहा है, तो सिक्रेट हो रहा है वही सलेवा, हो सकता है पॉइजनस हो, वो सलेवा किसी और के पास गई तो वो पॉइजनस बन गई, वो सलेवा हो सकता है आपके मुंह से कुछ छींक से वो सलेवा निकली और किसी और के लिए वो पॉइजनस हो गई, COVID-19 में क्या होता था सलेवा के थ्रू भी फैल रही थी, ठीक है। और इंडोटॉक्सिन्स क्या हो रहे हैं, वो सिक्रेट नहीं हो रही, वो पार्ट ऑफ इटसेल्फ ही है, उसके बॉडी के पार्ट ही है, वो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, और जैसे वो मरता है वो उसके बॉडी से रिलीज हो जाती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सोटॉक्सिन्स एंड इंडोटॉक्सिन्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं और इंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं। अब ये देखिए, ये तो होगी एज ए कि ये समझ गए आप एक्सोटॉक्सिन्स इंडोटॉक्सिन्स। अब जैसे बैक्टीरिया जिस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको रिलीज करते हैं उसके हिसाब से भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे जब वो बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज होता है देन इट इज कॉल्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, व्हेन टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स में इंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, जब बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है तो दोज आर बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स, और जो बैक्टीरिया के पार्ट के ही है, बॉडी के पार्ट ही है, ठीक है, पार्ट ऑफ बैक्टीरिया है ऑलरेडी, ठीक है, तो दोज आर बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन्स। अब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो दोज आर बैक्टीरिया जो सीक्रेट कर रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल क्या हो गया बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी जिसे टेटनस होता है हम सबको, सेकेंडली किसी तरह क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, सो दीज आर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। नेक्स्ट वी हैव माइकोटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहां दे सकते हो कुछ सच एज एमेंटला फ्लॉइड्स, एक और एग्जाम्पल है जैसे कॉपरिनियस एल्ट्रीमेंटेरियम, सॉरी क्रॉपनियस अल्ट्रीमेट, क्रोपनियस अल्ट्रीमेट्रियस, ALTREMTARIUS, अल्ट्रीमेट्रियस, क्रोपनियस अल्ट्रीमेट्रियस। सो दीज आर एग्जांपल ऑफ माइकोटॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स कौन रिलीज कर रहा है, फंजाई। उसी तरह वी हैव नेक्स्ट टाइप्स में आप देखो तो अल्फा टॉक्सिन्स है, अल्फा टॉक्सिन्स। सो अल्फा टॉक्सिन्स को हम लोग नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिन्स बोलते हैं, व्हाई, बिकॉज कि ये टॉक्सिन्स कब रिलीज होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड ग्रेन्स सीड्स एक्सेट्रा, प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड ग्रेन्स, और यू कैन से इन्फेक्टेड सीड्स, ये सबसे जब प्रोड्यूस होता है तो उनको होता है अल्फा टॉक्सिन्स, इसलिए नेचुरली ऑकरिंग करते हैं, क्योंकि ग्रेन्स और सीड्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये नहीं ऑकर हो रहा है, ये जो नेचुरल सब्सटेंस से ग्रेन्स और सीड्स से ये प्रोड्यूस हो रहा है, ऑल्दो इस ग्रेन और सीड्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से इन्फेस्टेड होंगे, उस रीजन से ये प्रोड्यूस हो सकता है अल्फा टॉक्सिन्स। वी हैव एल्गल टॉक्सिन्स जो एल्गी के द्वारा रिलीज होती है, वी हैव अल्टरनेरिया टॉक्सिन्स जो अल्टरनेरिया के थ्रू रिलीज होते हैं, ऐसे करके हमारे पास कुछ टॉक्सिन्स हैं, पर जो मेन एग्जांपल तीन चार, वो चार आपको इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं, एल्गल टॉक्सिन्स, अल्फा टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड माइकोटॉक्सिन्स, और यू कैन से फंगल टॉक्सिन्स, ये चार इंपॉर्टेंट है, बाकी और काफी सारे टॉक्सिन्स हैं, ये चार पांच लिख दोगे तो दैट इज इनफ फॉर योर आंसर। सो आई होप ये आपको टाइप्स ऑफ टॉक्सिन समझ गए होंगे, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी, और वो पार्ट किस चीज के हैं, सीक्रेट हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट है, जैसे एक्सोटॉक्सिन्स या इंडोटॉक्सिन्स जो मैंने अच्छे समझाया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब देखिए टॉक्सिन्स के डिमेरिट्स भी होते हैं और मेरिट्स भी होते हैं इन टॉक्सिन्स। सबसे पहले डिमेरिट्स तो काफी सारे हैं, हम सब जानते हैं कि ये पॉइजनस होते हैं, दिस टॉक्सिन्स आर वेरी पॉइजनस, इट कैन बी रीजन फॉर डिजीजेस,
जो टेटनस की मैंने वहां बताई, टेटनाई जो थी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई द रीजन फॉर टेटनस, कुछ डेथ्स कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के, एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के, कुछ इन यूजफुल ऑर्गेनिजम्स के ये डेथ में काम कर सकते हैं। फिर अगर ये सॉइल में है तो सॉइल में रूट फॉर्मेशन वगैरह में काफी इफेक्ट करते हैं, रिड्यूसेस नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन रिड्यूस करता है नाइट्रोजन एक्टिविटी का, जो सॉइल में नाइट्रोजनस एक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस करता है ये। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इट मेक दैट नेचुरल रिसोर्सेज पॉइजनस, अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो ये सारे काफ़ी सारे डिमेरिट्स हैं टॉक्सिन्स के, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोबियल टॉक्सिन्स के सारे डिमेरिट्स हैं। पर इसका जो पॉजिटिव्स भी हैं, और सबसे बड़ा पॉजिटिव है इसका जो मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, दैट इज बीटी टॉक्सिन्स, जिसको अपने आंसर्स में आप जरूर इनकॉर्पोरेट करो। इट इज द वन ऑफ द मेजर पॉजिटिव्स ऑफ टॉक्सिन्स, बीटी टॉक्सिन्स, जो कि हमें कहाँ मिलता है, बेसिलस थ्रेंजरेलिस, एक बैक्टीरिया है, इसे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो कि हमें बेसिलस थ्रेंजिजेनेसिस करके एक बैक्टीरिया है उससे मिलता है। और ये बीटी टॉक्सिन से हमें क्या मिला, बीटी कॉटन। और ये बीटी कॉटन क्या होता है, हमें बॉल वर्म से बचाता है। हाउ, बिकॉज दिस बीटी टॉक्सिन इज टॉक्सिक फॉर बॉल वर्म, जैसे ये बॉल वर्म इसको कॉटन पे अटैक करता है, तो इस बीटी टॉक्सिन की वजह से बॉल वर्म के जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें होल्स होने शुरू हो जाते हैं, इनके जो गट है, इसका गट्स में होल्स हो जाते हैं नहीं, और ये मर जाता है। तो दिस टाइप्स ऑफ जैसे बीटी टॉक्सिन इट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब तो जैसे बीटी मेज, बीटी ब्रिंजल, काफी सारे क्रॉप्स इस बीटी के यूज से हो रहे हैं। सो इट इज द मेजर पॉजिटिव। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि इस तरह से टॉक्सिन्स को अगर हम सही तरह से यूज करें तो दैट कुड बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, तो ये बीटी टॉक्सिन इज द मेजर एग्जाम्पल, और इसको अपने आंसर्स में आप जरूर लिखना, बीटी टॉक्सिन्स का एग्जाम्पल दोगे तो इट विल इनहेंस योर आंसर्स, और ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि भी कि आप कितने डेप्थ तक जाकर के चीजों को सोच रहे हो, आप डिमेरिट्स भी दिखा रहे हो और पॉजिटिव्स भी दिखा रहे हो। सो प्लीज डू राइट दिस टाइप्स ऑफ पॉइंट्स इन योर आंसर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, जितने भी माइक्रोबियल टॉक्सिन का या जो का टॉपिक जो था, जो क्वेश्चन जो था कि शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोबियल टॉक्सिन्स, उसको हमने अच्छे से अटेम्प्ट किया, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दैट। इसमें जो भी चीज़ें थी आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और जो भी क्वेश्चन आप चाहो तो कमेंट्स करके, जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी, जो क्वेश्चन जो पूछते हो तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, आप रेगुलर बेसिस पे पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं। पर हाँ, कॉमन क्वेश्चन जो कि मैंने ऑलरेडी पहले कवर करा दी चुके हैं, करा दिया है, वो मैं आपको मैंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि एक ही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाना इज़ नॉट गुड। ठीक है, सो वो मैं आपको मैंशन कर दूंगा अगर आप ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हो तो। और कोर्स को जरूर देखो, और जो ये मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है इसको शुरू से आप लोग करो, ऐसा नहीं कि अभी इसे देख रहे हो तो दो तीन कोर आंसर कर लिए उसे, नहीं, शुरू से आप डेली एक दो दो भी करोगे, जैसे अभी आप पीछे चले गए 120-130 वीडियोज तो आई थिंक अराउंड बन चुके हैं, तो आप डेली दो दो आंसर भी करोगे तो 50-60-70 दिन के अंदर आप कर लोगे सारे कवर, और दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी सीएससी दे रहे हो, चाहे आप आईएफएस के लिए देख रहे हो, चाहे स्टेट सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज में अगर आपने एग्रीकल्चर ऑप्शन लिया है, या स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में, हर एक में ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक एग्रीकल्चर है। ये किसी भी सिलेबस को आप देख लो, चाहे सीएफसी सीएससी देख लो, आईएफएस देख लो, हर एक जगह पे ये सारी चीजें कवर्ड है, और वो सब में आपको काफी हेल्पफुल होगा जो मेरा कोर्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, काफी होलिस्टिकली मैंने इसे पढ़ाया हुआ है, काफी होलिस्टिक सा कुछ मैंने कराया हुआ है, और जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू इट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक कीजिए वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चों जो कि नीड में है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल इज नॉट ए पॉपुलर सब्जेक्ट, तो जो भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के नीड में है, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, यूपीएससी हो, उन सबको ये, उन सब तक ये वीडियो पहुँच सके, और सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियो आप सबके लिए रेगुलर बेसिस पर बना पाएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।